मेरी रेसिपीज हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आई तो बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? क्योंकि गर्मी का मौसम है पाकिस्तान में भी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यूएई में भी, तो इसी वजह से हमने सोचा कि आज कुछ चिल्ड बेवरेज बनाया जाए। तो आज हम बना रहे हैं कैरमल फ्रैपचिनो, और उसको कैसे होममेड कैरमल सॉस के साथ बनाते हैं वो आपको बताते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, एक से दो या तीन कतरे आप देख लें, बस सिर्फ हमने इसको ग्रीस करना है, खाली इसमें डालना नहीं है। इसमें घी डाल लें या कुछ और भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, बस आपने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। चलें, उसके बाद हमने कैरेमल बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 कप चीनी। ये देख, ये मैंने डाल दी। मिक्स करते हैं इसको, अच्छा सा मज़े का क्रीमी कैरेमल तैयार होए होगा। थोड़ा पकने देते हैं इसको थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी को पकने तक हमने अच्छे तरीके से इसको हिलाना है ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा इसका ब्राउन सा कलर आ जाए। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मक्खन। 1/2 टेबल स्पून हमने मक्खन लिया है इसके अंदर डालने के लिए। ये देखो, इसको हल करेंगे, हिला लें इसको अच्छे से। फ्लेम आपने हल्का रखना है। साथ ही इसके अंदर मैं 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम के शामिल करूंगी। ये मैंने सारी इतनी ही रखी हुई है जितनी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा कैरेमल हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, नहीं ये देखें, इस तरह से इसको थिक होनी चाहिए। ये अब बिल्कुल जो है माशाल्लाह रेडी है। ये बस क्रीम डाल के इसको थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि अच्छे से ये क्रीम इसके अंदर हल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कैरेमल माशाल्लाह रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्लेम बंद करके इसको रख दूँगी। ये देखें, इस तरह से ये गाढ़ा होना चाहिए। ये बंद कर दूँगी और जब थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा फिर हम इसको यूज़ करते हैं। फिर ऐसे गाढ़ा सा बनाना आपने ताकि इसकी ये तार सी ये बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ कॉफ़ी को हम अब शुरू करते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए मैंने 1 कप मिल्क लिया है। फ्रेश मिल्क ले लें या डब्बे वाला ले लें, कोई भी। 1/2 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी डाली है, उसमें 3 टेबल स्पून पानी डाल के उसको मिक्स करके हल करके रख लिया हमने। और ये हमने लिया है 1/4 कप जो होता है ये कैरेमल हमने लिया है। उसके साथ 1/2 टीस्पून आपने डालना है वनीला एसेंस और बर्फ़। ये तमाम चीज़ें जो है आप डाल के इसको ब्लेंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम मिक्स करते हैं। मिल्क डाल दिया हमने, कॉफ़ी जो हल करके रखी हुई थी वो डाल दी, और वनीला एसेंस डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये हमने डाल दिया, और साथ ही हम इसके अंदर सॉस डालेंगे कैरेमल। सॉस हम डाल देंगे। चले, अब इसको मैं बंद करके इसको मैं अब बर्फ भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। चार हमने क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए। मैंने डेकोरेट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर
ये जो हमने मिक्सचर बनाया कॉफी का, ये मैं डालती हूँ इसके अंदर। ये हमने डाल दिया और अब मैं इसके ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये हम मैंने इसको डाल के ऊपर करीम इसको ये डेकोरेट कर दिया है। चले ये हो गया, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, आप इसको बना सकते हैं बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से। जी तो मज़ेदार से हमारी कॉफ़ी माशाल्लाह तैयार है, रेडी है, कैपेचिनो कैरेमल माशाल्लाह रेडी है। तो इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसी तरह अच्छी अच्छी हम रेसिपीज़ लेके आते रहे हैं, आते रहेंगे समर के हवाले से, विंटर के हवाले से भी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें कि आपने बनाई आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई और अच्छी हेल्दी रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।